नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं तिगांव और खबर थोड़ी बड़ी है। बड़ी इस सेंस में है कि ये जो आप हार देख रहे हैं, आम तौर पर शादियों में दूल्हे के गले में सजते हैं और इन्हीं हारों से दूल्हे की शोभा बढ़ती है। मुद्रा के हार हैं, मुद्रा से बने हुए, नोटों से बने हुए हार हैं, तो इन हारों से एक तरह का रौब पैदा होता है, ठीक है। और ये जो हार बनते हैं, ये कितनी कीमत का बनता है? ये जो 2000 रुपए का हार बना रखा है सर, ये 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 50,000 21,000 31,000 सब बनते हैं, ऐसी कीमत के बनते जी। अब खबर ये है कि क्या नाम आपका? नीरज मित्तल है। नीरज मित्तल जी हैं, नीरज मित्तल जी ये जो दुकान के मालिक हैं, और ये जो दुकान है, इस दुकान में ये हार बेचे जाते हैं। कौन सी तारीख को चोरी हुई? 20 तारीख की रात को तोड़कर अंदर से वो नोट चुरा लिए, यही बात थी ना नीरज जी? और नोटों की माला चुरा ली। दरअसल मारा कितने माला कितनी मालाएं थी जी? 1,50,750 की जी। एक ही माला थी? नहीं जी, अलग अलग 35-36 माला थी जी। 35-36 माला थी, और उनमें से मैं खरीदारी कर रहा था जी उन्हीं नोटों से। उसकी एक ग्राहक ने वीडियो बना के हमारे पास भेजी हुई है। जो नोट हमारे हाथ में लग रहे थे, उन्हीं वही नोटों की गड्डी उसके हाथ में है। वो अच्छा, वीडियो मतलब हमारे पास है, खोल के उनकी गड्डी बना ली उसने। हाँ जी, ये देखिए, ये दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ से दिखा दें। ये जो लड़का जी, ये देख सकते हैं फरीदाबाद, उन्हीं नोटों से ये खरीदारी, ये देख सकते हैं। और थोड़ा स्पष्ट तरीके से और दिखा देंगे, वीडियो भी शेयर कर देंगे फरीदाबाद आपके साथ। पर खास बात यह है कि यहाँ जो नोटों से हार बनाए जाते हैं, और हार बनने के बाद नोट ऐसे मुड़ जाते हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो जब इन्हें खोल के दोबारा इनकी गड्डी बनाई जाएगी, तो उसमें गड्डी में नोट जो है वो थोड़े मुड़े हुए होंगे। पिन का निशान भी होता है जी, पिन का निशान भी होता है, तो उससे ये पहचान हो जाती है कि ये नोट कहीं माला में से निकाल कर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने एक हलवाई की दुकान से सामान खरीदा है, उसने वो नोट संभाल कर रखे हैं जी, हमारी सीधे सीरियल नंबर से मिल रहे हैं वो नोट। अच्छा, हाँ, यहाँ एक टूट की थी माला, वो छोड़ गए जी। अरे अच्छा, इसके नीचे के नोट उसने एक हलवाई को दिए हैं जी। हाँ, चूंकि ये गड्डी की मालाएं होती हैं, नोट होते नहीं जी, जी तो 75, 74 और 76 नंबर तो यहाँ है, उसपे 79 और 80 दुकानदार के पास है इसके। तो इसका मतलब ये है कि उस चोर ने वहाँ जाकर खरीदारी भी की। अब चोर का वीडियो आपके पास है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस तो कह रही है जी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी, पर आज चौथा दिन है जी, अभी मिल नहीं रहा है वो चोर, नहीं मिल रहा है जी। हाँ, पहचान नहीं हो पा रही है, अभी नहीं हुई है जी, अभी पकड़े नहीं गए जी, चोर की पहचान नहीं हो पा रही है। आप सोचें, देखिए, चोरी हुई, चोरी के सामान से या चोरी के नोटों से बाजार में ही खरीदारी हुई, पहचान लिया गया कि ये जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, जिन नोटों को ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, वो नोट यहीं इसी दुकान से चुराए गए हैं, उसका वीडियो बना लिया गया। दूसरी दुकान पर जाकर उसने 10-10 के नोटों से खरीदा। क्या जलेबी खाई थी? जलेबी जी, जलेबी खाई चोर ने 10-10 के। रेडीमेड दुकान पे कपड़े खरीदे हैं जी, रेडीमेड की दुकान, 2000 के नोटों से, 200 के नोटों से रेडीमेड की दुकान पर कपड़े भी खरीदे, और 1 लाख रुपए से ज्यादा के नोट यहाँ से चुरा लिए गए। तो फरीदाबाद, आप ये समझे, हम वीडियो शेयर करेंगे अभी आपके साथ भी, आपकी भी जानकारी में कोई हो। इससे पहले? हाँ जी, इससे पहले और भी हुई है चोरियां। हाँ जी, लेकिन उन चोरियों में आमतौर पर ये नहीं पता चलता ना कि हिसाब से हुआ है, ऐसी हुआ है जैसे हुआ है, और ऐसी दुकान में हुआ है, एक तो रेडीमेड कपड़े वालों का टूटा जी, और एक कल रात को कोराली मोड़। आपके तो नोट पहचान लिए गए, अब रेडीमेड वाले की तो कपड़े पहन के डोलेगा तो फिर पता चलेगी कि जी ये कपड़े इसके ही थे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। जी भाई साहब की दुख जो हुई है, काफी नुकसान हुआ जी। नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने पीछे साक्ष्य छोड़कर चले गए, और हिम्मत देखें उनकी कि इसी बाजार से चोरी करके इसी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच गए। हाँ जी, तो मैं तो यही प्रशासन से अपील करूंगा कि इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए, चोर पकड़े जाएं और उनसे रिकवरी हो जी। चोर पकड़े जाएं और मित्तल जी की जो रिकवरी है वो रिकवरी हो। तो फरीदाबाद, आप ये सोचते हैं, तो क्या कह रहे हैं अभी पुलिस के SHO से मिले आप? जी वो कह रहे हैं जी ढूंढने में लग रहे हैं जी, पकड़ जाएंगे। CIA को नहीं दिया केस आपका? सर हमें नहीं पता जी, आपको इसके बारे में नहीं जी, पर आप लोकल
पुलिस से लगातार संपर्क में है। थाना जी, हम डेली तिगांव थाना जी, वहाँ डेली पूछते हैं जी। सरपंच साहब आ जाओ, आप भी आ जाओ, बता दो तुम भी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हैं? कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बाजार में चोरियां हो रही हैं लगातार, हैं? पुलिस हमारे लॉ एंड ठीक है, पुलिस ठीक काम करती है हमारी। एक मिनट में आ गई थी पुलिस, आ गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अनिल। तो अनिल जी हैं तिगांव से, और आप देख सकते हैं पुलिस एक मिनट में आती है। चोर तो नहीं पकड़े जा रहे हैं अभी? चोर पकड़े तो जब जाएंगे, चोर नहीं बताएंगे, चोर ऐसा थोड़ी पकड़े जा। चोर बता दिए इन्होंने, तो वीडियो भी दे दिया इन्होंने, सबूत बता के नीचे दुबका ले यार चोर ने। तो आप सोच सकते हैं फरीदाबाद बाजार में चोरी हुई, चोरी के जो साक्ष्य थे, नोट ले जाए गए, उन्हीं नोटों से अगले दिन चोर ने बाजार में कपड़े खरीदे और जलेबी खाई उन्हीं नोटों से, और ये पहचान हो गई कि ये नोट जो हैं ये माला के, नोटों की माला के ही नोट हैं, दूसरे नोट इनके पास हैं, उसी गड्डी के दो तीन नोट इनके पास हैं, और जो चोर वहाँ दुकान पर चला कर गए वो नोट दुकानदार के पास मौजूद हैं, सुरक्षित रखे हैं। ये अपने आप में कड़ी जोड़ रही हैं एक के बाद एक, और उस चोर का जो चेहरा है वो इनके वीडियो में कैद है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस चोर तक नहीं पहुँच पाई है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।